मत रोकिए, जाने दीजिए। ये जाएंगे तभी तो आप मुझे अपने दिल में, अपनी जिंदगी में जगह दे पाएंगे। तभी तो घर वाले मुझे अपना पाएंगे। मैं जानती हूँ पत्नी का रिश्ता टूटने पर दुख तो जरूर होगा, पर घबराइए मत, मैं हूं ना। और तुम अभी तक गई नहीं? वाकई जिस घर में पति का प्रेम ना हो, पत्नी का सम्मान ना हो, उस घर में रहने का फायदा भी क्या। एक बात बहुत अच्छी करी आपने कि आपने ये बहुत जल्दी मान लिया कि जो चीज आपकी है ही नहीं उसके लिए लड़ाई झगड़ा रोने धोने का कोई फायदा ही नहीं है ना। और आप सब लोग भी ये खुशी खुशी स्वीकार कर लीजिए कि अंतरिक्ष मेरे हैं, सिर्फ मेरे। अंतरिक्ष, आप कहिए ना सबके सामने अपनी पत्नी को कि आपकी जिंदगी में सिर्फ मैं हूं। कहिए ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं सिर्फ अपनी स्नेह से। अब एक शब्द भी और मत कहना। मैं मानता हूं कि मैं कुछ पलों के लिए बह गया था, लेकिन मेरी जिंदगी काजल के बिना अधूरी है। मेरे और काजल के रिश्ते में हल्की सी दरार जरूर आ गई थी, लेकिन मैं उस दरार को तुम्हें दीवार में बदलने नहीं दूंगा। मैं पिछले दो दिनों से तुम्हें पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम वो कुछ समझती नहीं हो। कल रात भी मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें यही समझाने गया था, लेकिन मेरे और काजल के रिश्ते में दूरियां जरूर पैदा हो गई हैं, लेकिन मैं उन दूरियों को अपने प्यार से नजदीकियों में बदल दूंगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आज फिर कहता हूं, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ काजल है, सिर्फ काजल। आपके प्यार के बिना मेरी जिंदगी बेमानी होगी, आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, न थी ना है ना होगी। मरना चाहती हो तो मर जा, मुझे तुम्हारी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। काजल भाभी, अब भी आप घर छोड़कर जाना चाहेंगे? देखिए अंतरिक्ष के दिल में, उनकी आंखों में, जिसमें सिर्फ काजल और काजल ही बसी हुई है। मैंने ये जहर पीने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि आप दोनों के बीच में जो दूरियां अविश्वास था, मैं उसे ही दूर करना चाहती थी।